किम ने ऐसा कौन सा हथियार बनाया मुसलमानों को तुरंत भाया? दुनिया भर के 190 करोड़ मुसलमान किम के फैन क्यों होने लगे? क्या कुछ बड़ा करने वाला है उत्तर कोरिया का राष्ट्रपति? अमेरिका तक पहुंचेगा किम का परमाणु मिसाइल? यूं तो अमेरिका पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाए रखना चाहता है, लेकिन एक ऐसा देश है जिसने अमेरिका के धागे खोलकर रख दिए और अमेरिका सोचता रहता है कि इस दुश्मन से कैसे निपटा जाए। हम बात आज उस देश की कर रहे हैं जहां का तानाशाह बम फोड़ कर कहता है यह अमेरिका के लिए था। और बम भी ऐसा नहीं कि जो जापान या सिर्फ पश्चिमी देश तक जाए, बल्कि ऐसा बम जो सीधे अमेरिका को हिट कर सकता है, और वो देश है नॉर्थ कोरिया, जहां के तानाशाह किम जोंग उन बात बात पर परमाणु बम की बात करता है और जिसकी छवि पड़ोसी मुल्कों को हमेशा खौफ में रखती है। दुनिया के ज्यादातर देश नॉर्थ कोरिया को अलग थलग मानते हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि अलग थलग पड़ने के बावजूद नॉर्थ कोरिया चीन और रूस के बेहद करीब, और ये तीकड़ी न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में तहलका मचा सकती है। विशेषज्ञों ने दावा किया है कि नॉर्थ कोरिया का परमाणु मिसाइल अमेरिका को भी हिट कर सकता है, जिससे बड़ी तबाही मचेगी। यही वजह है कि अमेरिका चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। अमेरिका को डर है कि यदि उसने नॉर्थ कोरिया को जरा भी छेड़ा तो इसके अंजाम गंभीर होंगे, क्योंकि किम जोंग उन ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर हमारे देश में कुछ भी अनुचित होता है तो उसके लिए अमेरिका ही जिम्मेदार होगा। साथ ही उन्होंने साउथ कोरिया और जापान को भी चेतावनी दे रखी है कि अगर उस पर जरा भी आंच आई तो वो सियोल और टोक्यो में बमों की बरसात कर देगा। हाल ही में किम जोंग उन ने युद्ध को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि देश के आसपास की सैन्य और राजनीतिक स्थिति स्थिर नहीं है, यही वजह है कि हमें युद्ध के लिए पहले से अधिक तैयार रहना होगा। और कुछ समय पहले भी किम ने परमाणु हथियारों को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर दुश्मन परमाणु हमले की धमकी देता है या उकसाता है तो हम भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे, जिसके बाद उसने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया था। अब बात करते हैं नॉर्थ कोरिया के पास ऐसा क्या है जिसने अमेरिका की नींदें उड़ा रखी है, तो वो है किम का परमाणु हथियार और लंबी दूरी की मिसाइलें। हालांकि नॉर्थ कोरिया दावा करता है कि वो जंग के खिलाफ है और उसने अपने परमाणु हथियार सेल्फ डिफेंस के लिए रखे हैं। उसका कहना है कि अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान की वजह से उसने ये हथियार बनाए हैं। पिछले साल ही नॉर्थ कोरिया ने अपने एक कानून में संशोधन किया था जो संभावित हमले के खतरे को देखते हुए पहले परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने का अधिकार देता है। इस कानून में परमाणु हथियारों के इस्तेमालों को लेकर सारे फैसले लेने का अधिकार भी किम जोंग को दिया गया है। लेकिन अगर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को खतरा महसूस होता है तो मिसाइल ऑटोमेटिकली ही लॉन्च हो जाएगी, यानी किम जोंग की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। जो अमेरिकी उकसावों को रोकने के लिए नॉर्थ कोरिया को परमाणु हथियारों के उत्पादन में तेजी लाने का अधिकार देता। विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों के जखीरे में 30 से 40 हथियार होंगे। इसके अलावा वो हर साल 6 से 7 हथियार और बना सकता है। बता दें कि साल 2003 में उत्तर कोरिया परमाणु अप्रसार संधि से पीछे हट गया था और उसके बाद 2006 से लेकर 2017 के बीच उसने 6 बार परमाणु हथियारों की टेस्टिंग की है। आखिरी बार उसने 2017 में परीक्षण किया था। साल 2017 में उत्तर कोरिया ने जिस परमाणु हथियार का परीक्षण किया था वो असल में हाइड्रोजन बम था। दावा है कि ये बम परमाणु बम की तुलना में कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। इतना ही नहीं, ऐसा भी मानना है कि उस समय जिस परमाणु बम की टेस्टिंग हुई थी वो 100 से 370 किलोटन का होगा। 100 किलोटन का परमाणु बम हिरोशिमा पर गिरे बम से 6 गुना ज्यादा ताकतवर है। साथ ही उन्होंने अप्रैल माह में भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था जो अमेरिका के सभी राज्यों को टारगेट बना सकती है। अमेरिका के लिए चिंता की बात यह भी है कि उत्तर कोरिया ने छोटे छोटे परमाणु हथियार भी बनाए हैं जिन्हें कम दूरी की मिसाइलों में तैनात किया जा सकता है, और ये परमाणु हथियार साउथ कोरिया और जापान, जो अमेरिका का ही सहयोगी है, उसके लिए काल बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।